अस्सलाम वालेकुम आज हम स्टडी करेंगे क्रोमेटोग्राफी को क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर यूज होने वाली एक टेक्निक है एक मेथड है सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड क्रोमेटोग्राफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है क्रोमेटोग्राफी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ल्ड सबसे पहला हमारे पास आ जाता है क्रोमा और दूसरा हमारे पास आ जाता है ग्राफीन क्रोमा का मतलब है कलर्स और ग्राफी निकला है ग्राफीन से विच मीनस टू राइट क्रोमेटाग्राफी एक ऐसी टेक्निक है एक कैसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट कलर्स को या फिर डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट करते हैं एक सॉल्यूशन से या फिर एक मिक्सचर से क्रोमेटोग्राफी को हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि क्रोमेटाग्राफी इज़ अ टेक्निक और मेथड विच इज़ यूज टू तो सेपरेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर फ्रॉम मिक्सचर और सोलूशन यह एक ऐसी टेक्निक है एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सॉल्यूशन या फिर एक मिक्सचर से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी इज़ ए मीन्ज ऑफ सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम अदर टाइप अब क्रोमेटोग्राफी को फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था एक रूशियन साइंटिस्ट जो कि एक बॉटनेस था उसने 1903 के अंदर फ़र्स्ट टाइम क्रोमेटाग्राफी को डेवलप किया था मिखाइल स्वीट ने 1903 के अंदर फर्स्ट टाइम कैल्शियम कार्बोनेट के एक कॉलम से प्लांट के डिफरेंट पेगमेंट्स को आइसोलेट किया था क्रोमेटोग्राफी की हमारे पास दो मेन टाइप्स आ जाती हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पेपर क्रोमेटाग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर क्या यूज़ होता है पेपर यूज़ होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बायोलॉजी के अंदर मोस्टली यूज़ की जाती है फ़ोटो सेंथेटिक पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए या उनको सेपरेट करने के लिए फोटोसेंथेटिक पिगमेंट जैसा कि क्लोरोफिल हो गया उसकी डिफरेंट टाइप्स हो गई पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपल मेथड है और इस मेथड के अंदर दो फेजेस होती हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मोबाइल फेज़ और दूसरी हमारे पास आ जाती है स्टेशनरी फेज़ मोबाइल फेज़ एक ऐसी फेज़ होती है जो कि मूव करती है रन करती है और मोबाइल फेज़ के अंदर होता क्या है मोबाइल फेज़ के अंदर सॉल्वेंट होते हैं और मिक्सचर होता है सॉल्वेंट मोस्टली क्या होता है वाटर होता है और स्टेशनरी फेज़ एक ऐसी फेज़ होती है जो कि मूव नहीं करती और स्टेशनरी फेज़ के अंदर क्या होता है पेपर होता है और पेपर मूव नहीं करता अब इस पूरे मेथड को हम एक डायग्राम के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है सपोज़ करें हमने डिटेक्ट करना है ब्लैक इंक को या फिर हमने ये देखना है कि इंक के अंदर कौन कौन से कलर्स मौजूद होते हैं सबसे पहले हमने ले लेना है एक बीकर और दूसरी चीज़ हमने ले लेनी है एक पेपर और तीसरी चीज़ हमने ले लेनी है ब्लैक इंक इस इंक के अंदर हमने डिटेक्ट करना है डिफरेंट कलर्स को अब स्टेप वन के अंदर हमने क्या करना है कि हमने इस ब्लैक इंक का कोई एक स्पॉट लगा देना है इस पेपर के ऊपर और इस पेपर को हमने क्या करना है फिर ड्राई करना है अब स्टेप टू के अंदर हमने इस पेपर को डिप कर देना है इस सॉल्यूशन के अंदर इस पेपर को हमने डिप कर दिया है इस सॉल्यूशन के अंदर लेकिन एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि इस डॉट को या इस पॉट को जो ब्लैक इंक का था हमने इसको सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं करना सिर्फ यहाँ तक डिप करना है अब कुछ देर के बाद ये हमारे पास आ गई मोबाइल फेज ये जो हमारे पास सॉल्वेंट था ये जो सोलूशन था ये क्या करेगा ये मूव करना स्टार्ट कर देगा ये यह यहाँ तक मूव करेगा अब इस मोमेंट के बाद हमारे पास ऊपर पेपर के अंदर डिफरेंट कलर्स आना शुरू हो जाते हैं ये हमारे पास आ गई मोबाइल फेज़ ये ऐसी फेज जो कि मूव कर रही है और ये हमारे पास आ गई स्टेशनरी फ़ेज़ ऐसी फेज जो कि मूव नहीं कर रही स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमारे पास क्या आ गया पेपर आ गया और मोबाइल फ़ेज़ के अंदर हमारे पास क्या आ गया कोई सॉलवेंट आ गया जैसा कि वाटर हो गया अब जो मोबाइल फेस है वो मूव कर रही है स्टेशनरी फेस के ऊपर तो इस मोमेंट की वजह से हमारे पास क्या आ गई डिफरेंट कलर्स आ गई ये तो था हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी का मेथड इसके अलावा भी हम बहुत सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि क्लोरोफिल हो गया शुगर जैमानों एसिड डगी तो इन चीज़ों को भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी इट इज़ मोर कॉमनली यूज मेथड यह बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है अब इस मेथड के अंदर जो मोबाइल फेज होती है वो क्या करती है रन करती है फ्लो करती है किसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर यानी कोई ऐसा सैंपल जिसको हमने लोड किया है एक मेटल के अंदर या फिर एक ट्यूब के अंदर अब इस पूरे प्रोसेस को भी हम एक डायग्राम के जरिए समझेंगे अब सपोज करें हमने डिटेक्ट करना है डिफरेंट कलर्स को तो हमने कौन से मेथड से डिटेक्ट करना है हमने डिटेक्ट करना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए यह हमारे पास आ गया एक ट्यूब इस ट्यूब के अंदर ये हमारे पास कौन सी फ़ेज़ है ये हमारे पास है स्टेशनरी फ़ेज़ और ये कौन सी फ़ेज़ है यह हमारे पास है मोबाइल फेज़ तो इस स्टेशनरी फ़ेज़ के अंदर हमारे पास क्या यूज़ होता है सिलिका जेल यूज़ होती है यह हमारे पास आ गई सिलिका जेल और ये इस ट्यूब का क्या आ गया कंट्रोलर आ गया अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया है अपना डिज़ायर सैंपल क्या कर दिया है लोड कर दिया है इस डिज़ायर सैंपल के अंदर हम इस डिज़ायर सैंपल के अंदर हमने डिफरेंट पेगमेंट को क्या करना है डिटेक्ट करना है डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करना है अब स्टेप टूब के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ गई मोबाइल फेज़ आ गई मोबाइल फ़ेज़ के अंदर हमने क्या करना है फिर मोबाइल फेज के अंदर हमने कोई सॉल्वेंट ऐड कर देना है सपोज करें हम यहाँ क्या क्या करेंगे वाटर को ऐड कर देंगे वाटर को ऐड करने के बाद ये मोबाइल फेज के अंदर क्या करेगा रन करेगा या फिर मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट की वजह से सिलिका जेल के अंदर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे छोटे, छोटे छोटे जो पोर्स होंगे उनके ज़रिए जो हमारा डिज़ायर सैम्पल है जो डिफरेंट कलर्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमारा जो डिज़ायर सैंपल था जो डिफरेंट कलर से वो नीचे आना शुरू हो गई तो ये हमारे पास था कॉलम क्रोमेटोग्राफी अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी शुरू शुरू के अंदर क्रोमेटोग्राफी को सिर्फ कलर्स कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन फिर इसको इस मॉडिफाई किया गया और आजकल इसको जो है कलरलेस कंपाउंड को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए इसके अलावा इसको ड्रग डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है जैसा कि हमने अगर, अगर अपनी किडनी के अंदर यूरिस यूरिन के अंदर ड्रग को डिटेक्ट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा विटामिन और इमानो एसिड को भी डिटेक्ट करने के लिए यही मेथड यूज़ किया जा सकता है इसके अलावा फूड टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है बेवरेज टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये तो था इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी आज हमने स्टडी किया क्रोमेटोग्राफी को और क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स को